हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे फैनकोड ओमन D20 सीरीज के जो अगला मुकाबला आज होगा RUR वर्सेस GGI के बीच में। इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे दोस्तों, और आपको बताएंगे कि RUR और GGI के टीम ने जो अभी तक इस सीरीज के मैचेस खेले हैं, इसमें कौन से प्लेयर ऐसे रहे हैं जो कि लगातार ओपन करते हुए नज़र आए दोस्तों, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेल रहे हैं, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन से बॉलर कंप्लीट चार ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, किसे अपने टीम में आप कैप्टेंसी के लिए ले सकते हो, किसे वाइस कैप्टेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बस भाइयों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है ताकि इस वीडियो के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है इस मैच से रिलेटेड आपको मिल पाए और आप एक बेहतरीन टीम बना पाओ। लेकिन जितने भी हमारे नए मेंबर हैं दोस्तों, जो इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मैच का अगर फाइनल टीम पाना चाहते हो लाइनअप के बाद, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, ज्वाइन करना ज़रूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद जो अगर एक भी चेंजेस होते हैं ना दोस्तों, लाइनअप के बाद एक भी खिलाड़ी को अगर ड्रॉप करते हैं, किसी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को अगर ट्राई करते हैं, तो वो टीम आपको फाइनल टीम के रूप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वेन्यू की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो मैच है फ्रेंड्स, AL एमरेट क्रिकेट ग्राउंड पे ये मुकाबला होगा, जैसे कि ओमन D20 सीरीज के सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पे हो रहे हैं। और यहाँ का अगर आप पिच रिपोर्ट देखोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि बैट्समैन और बॉलर दोनों ही डिपार्टमेंट को यहाँ पे अभी तक इक्वल सपोर्ट देखने को मिला है, बाकी 150 के आसपास आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है। बाकी RUR के जो टीम है दोस्तों, अभी तक 7 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से 6 मैचेस वन कर गया है और एक मैच में लॉस करा है। और वहीं अगर बात करेंगे GGI की टीम के बारे में, तो GGI की टीम ने 7 मैचेस खेले जिसमें से 4 मैचेस ही वन करा है और यहाँ पे 3 मैच लॉस करते हुए आए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो RUR के जो टीम है ये ज़्यादा मजबूत रहेंगे GGI के मुकाबले। तो इस टीम से अगर आप चाहें तो 7 खिलाड़ी को अपनी टीम में ले सकते हैं, 7-4 का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो चलिए मैच के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो मैच है ना मोहम्मद सनूत में, मोहम्मद है ये जो टीम के कैप्टनसी के रोल करते हुए नज़र आएंगे RUR के टीम के तरफ से, यानी कि रवि रेंजर्स के टीम के तरफ से। बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, पूरे सीरीज में 60 रन बना के 7 विकेट अपने नाम किए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इनको अपने टीम में ज़रूर ट्राई करना। जो टीम के ओपन भी करते हैं और टीम के कैप्टन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से बेस्ट पिक रहेगा जो कि बॉलिंग भी आपको 3 से 4 ओवर तक कम्प्लीट करते हुए दिखेंगे। नसीम की बात करेंगे दोस्तों, तो पहले मैच में देखोगे तो यहाँ पे 12 रन थर्ड डाउन पे बल्लेबाजी करते हुए विकेट कीपिंग में नजर आएंगे। दूसरे मैच में 9 रन, फिर 1 रन, फिर 29 रन, पूरे सीरीज में इसी प्रकार 115 रन स्कोर कराया दोस्तों यहाँ पे। गोस्तो बर्गर की बात किया जाए, 179 रन स्कोर कराया, ये भी टीम के ओपन करते हैं, बहुत शानदार प्लेयर, इनको भी अपने टीम में आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेंगे यहाँ पे नसीम के मुकाबले, तो आप इनको जरूर ट्राई करना। बाकी खालिद खेल जो है दोस्तों, 224 रन स्कोर कराया, टीम के फर्स्ट रन का बल्लेबाज है, ये भी एक अच्छा चॉइस रहेगा जो आपको टीम के फर्स्ट राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे। मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस है, आप इनको अपने टीम में जरूर ट्राई करना है जो टीम के फर्स्ट राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। बाकी वसीम अली जो कि 130 रन बना के दोस्तों 9 विकेट अपने नाम की, ये भी एक शानदार ऑप्शन रहेगा जो टीम के सेकंड राउंड पे बल्लेबाजी के साथ साथ आपको 4 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। अच्छा पीक है, मेरे हिसाब से आप इनको भी ले सकते हैं क्योंकि कैप्टनसी के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं पूरे सीरीज में, बाकी प्लेयर से काफ़ी बढ़िया खेला है। बाकी मोहम्मद नदीम जो है दोस्तों, पहले मैच में देखोगे तो यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहे थे, दूसरे मैच में 5 रन बना के 4 विकेट, फिर 10 रन बना के 2 विकेट, फिर 1 विकेट, और इसी प्रकार पूरे सीरीज में देखोगे 52 रन बना के 8 विकेट निकाले हैं। ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जो कि बॉलिंग 4 ओवर कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। मेरे हिसाब से भी आपके लिए बेस्ट पिक है, जरूर पिक करना। बाकी जितेंद्र जो है दोस्तों, पूरे सीरीज में अभी तक 8 विकेट निकाल चुके हैं। देखो, टीम का ना मेन गेंदबाज है, पहले मैच ऐसा था जो कि इनको 1 ओवर बॉलिंग दिया गया था, बाकी के सारे मैच में 4-4 कंप्लीट ओवर बॉलिंग करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट पिक है। कलीमुल्ला की बात करेंगे, इन्होंने 7 विकेट निकाला, ये भी टीम के मेन बॉलर है दोस्तों, बाकी इनको ड्रॉप कर सकते हैं। इमरान अली जो कि पहले मैच में 2 रन, फिर 25 रन, फिर 2 विकेट निकाले दोस्तों, इसी प्रकार पूरे सीरीज में इनका स्कोर हो जाता है 43 रन बना के 2 विकेट। और यहाँ पे देखो, ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, देखो अभी खेलने के ना इनका कम चांस है, तो इनको अभी फिलहाल ड्रॉप करते हुए चलो। बाकी मोहित पटेल पहले मैच फ्लॉप, दूसरे मैच फ्लॉप, लगातार फ्लॉप रहे हैं, देख सकते हैं 4 विकेट अभी तक निकाले हैं। बाकी हसन शाह जो दोस्तों 8 विकेट निकाले, ये भी टीम के मेन गेंदबाज है। और जोहेब की बात करेंगे दोस्तों, तो ये 4 मैचेस खेले हैं, मैंने आपको पहले बताया था
कि अगर ये बंदा खेलता है ना, मतलब बैटिंग से बहुत कुछ खास कर सकते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करना अगर लाइनअप में रहेंगे तो, बाकी इनको ड्रॉप कर सकते हो, इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिटेल्स आप देख रहे हैं ये RUR का है, जो बैटिंग ऑर्डर आप देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच में भी देखने को मिलेगा। बाकी सेकेंड टीम की बात करते हैं, GGI की टीम के बारे में। दोस्तों, ये जो टीम है ना, ये टीम मैंने आपको पहले ही बताया था कि RUR के मुकाबले GGI की टीम थोड़ी कमज़ोर जरूर नजर आएंगे। अहमद खान जो है टीम के कैप्टनसी के रोल करते हुए देखेंगे, पहले मैच में एक रन बनाए थे, विकेट नहीं निकाल पाए, फिर यहाँ पे 3 विकेट, फिर फ्लॉप रहे थे, फिर 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहे हैं। और इसी प्रकार पूरे सीरीज में अगर आप देखते हैं तो 19 रन बना के 4 विकेट निकाल चुके हैं। बहुत शानदार प्लेयर है, अच्छा पीक रहेगा आपके लिए, इनको जरूर ट्राई करना। बाकी यहाँ पे प्रणब मेहता की बात करेंगे, 35 रन स्कोर करा, ये भी टीम के टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक पूरे सीरीज में कुछ खास स्कोर रहा नहीं है। इकबाल जो है 197 रन बना के 6 विकेट अपने नाम के, ये ना आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी शानदार ऑप्शन रहेगा, जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी 4 ओवर करते हुए दिखेंगे, इनको जरूर पिक करना मेरे भाइयों। बाकी यहां पे खान की बात करेंगे, 8 विकेट इन्होंने निकाले हैं, टीम के ये 4 ओवर कंप्लीट बॉलिंग करेंगे, डेथ ओवर भी बॉलिंग करने के लिए आते हैं, तो ये एज ए बॉलर अच्छा पिक रहने वाला आपके लिए। बाकी 144 रन स्कोर करा है इन्होंने पूरे सीरीज में, आप देख सकते हैं दोस्तों, कभी लेट बैटिंग करते हैं, कभी जल्दी बल्लेबाजी करते हैं, ये अच्छा बल्लेबाज है, इनको जरूर ट्राई करना। बाकी यहाँ पे मोहसिन की बात करेंगे दोस्तों, 22 रन बना के 2 विकेट निकाला, इनका रिकॉर्ड मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखते हैं शहबाज नसर के बारे में, तो 80 रन स्कोर कराए, इनका रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं, इनको मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। अली जो कि 120 रन स्कोर कराया दोस्तों, टीम के थर्ड राउंड का बल्लेबाज है, ये देखो ये एक ना अच्छा ऑप्शन रहेगा, जो कि 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे, अगर आप इनके साथ भी जाना चाहते तो आप इनको ले सकते हैं। बाकी इन दोनों का इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, जो 2 मैच खेले हैं और दोनों मैच में इनको विकेट नहीं मिला है। इमरान लतीफ जो है दोस्तों, पूरे सीरीज में 229 रन बना के 9 विकेट अपने नाम के, दोस्तों बहुत शानदार पिक रहेगा, जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छा चॉइस रहेगा, सेकेंड डाउन पर बल्लेबाजी करते आपको दिखेंगे। बाकी यहाँ पे फैजान का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये भी नए खिलाड़ी, एक ही मैचेस खेला है, हरुण खान जो कि पूरे सीरीज में 37 रन स्कोर करा है, इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं। अक्षय जाफर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि पहले मैच फ्लॉप, दूसरे मैच में 2 विकेट, और मलिक खान जो कि 1 विकेट निकाले दोस्तों, एक ही मैच खेला है, लेकिन स्टेट्स आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भी जो बैटिंग ऑर्डर आप देख रहे हैं GGI के टीम का, ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही टीमों का बैटिंग ऑर्डर कम से कम आपको नॉलेज में आ गया होगा। अगर आप चाहें ना तो यहां पे स्टेट्स को फॉलो करके आप खुद भी एक बेहतरीन टीम क्रिएट कर सकते हो। बाकी मैंने सारे प्लेयर्स को देखते हुए आपके लिए एक टीम तैयार किया है मैंने, चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ते हैं भाइयों। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है मेरे भाइयों, देखो मैं पूरी मेहनत से ना सारे प्लेयर्स का जानकारी आपके लिए वीडियो के थ्रू लाते रहता हूँ, तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि अपने छोटे भाई को एक लाइक करके सपोर्ट जरूर करते रहना। और दोस्तों, जितने भी हमारे नए मेंबर जुड़े हैं ना इस मैच का फाइनल टीम के लिए, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी चलिए, मैंने सारे प्लेयर्स को देखते हुए आपके लिए टीम तैयार किया है, उस टीम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले विकेट कीपर से, जो आपके लिए एक बेस्ट पिक रहेगा। देखो यहाँ पे ना एम नसीम और ए उल्ला, ये जो 2 प्लेयर हैं ना, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप चाहें तो इस मैच में 2 विकेटकीपर के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे ए उल्ला को ही ट्राई करता हूँ, एम नसीम को ड्रॉप कर रहा हूँ। इसके पीछे जो लॉजिक है मेरा, यहाँ पे ऑलराउंडर पर मैंने ज़्यादा फोकस करा है, जो आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी पॉइंट्स देने वाले हैं। बैटिंग में देखोगे 3 बैट्समैन को मैंने ट्राई कर रखा है, यहाँ पे KKL जो है RUR के टीम की तरफ से बहुत शानदार प्लेयर रहेगा, जो कि यहां पे बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं पूरे सीरीज में। ए अली एक अच्छा ऑप्शन रहेगा दोस्तों। बाकी यहां पे अगर आप देखते हैं पे जेड अमन, जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है RUR के टीम की तरफ से, ये भी एक अच्छा चॉइस रहेगा। देखो बैटिंग में देखोगे तो कुछ खास यहां पे अदर ऑप्शन है भी नहीं, और देखो क्रेडिट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से इनका 8.5 में मैंने इनको सेलेक्ट करा है। यहां पे ये एक अच्छा चॉइस रहेगा, लेकिन इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा क्रेडिट प्रॉब्लम आएगा इस मैच में, तो इस बात को थोड़ा समझ के टीम क्रिएट करना आपको। बाकी ऑलराउंडर में अगर आप देखेंगे तो 4 ऑलराउंडर को मैंने ट्राई कर रखा है, डब्ल्यू अली इंपॉर्टेंट है कैप्टनसी कैप्टनसी के लिए, यहां पे दोस्तों आई लतीफ इंपॉर्टेंट रहेगा, जी इकबाल बहुत ही बढ़िया खेल रहा है दोस्तों, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और एस इब्राहिम को मैंने ट्राई कर रखा है। देखो यहां पे जो 4 खिलाड़ी है ना, चारों के चारों सबसे शानदार ऑप्शन रहेगा आपके लिए, लेकिन यहां पे इनको लेना चाहेंगे लेकिन इनको ट्राई नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इनका 9.5 है क्रेडिट, और कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को आपको भी इस मैच में ड्रॉप करना ही होगा। बाकी बैटिंग बॉलिंग में देखोगे तो 3 बॉलर को मैंने ले रखा है, एम नदीम जो कि टीम के 4 ओवर गेंदबाजी करेंगे, HR टीम के मेन गेंदबाज है दोस्तों, बाकी एम पटेल भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, अगर आप चाहें तो इनके साथ भी जा सकते हो। बाकी यहाँ पे ए खान भी एक अच्छा चॉइस रहेगा, अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी मैंने दोस्तों कैप्टनसी के लिए जीकबाल को फ्लैट ट्राई कर रखा है, वाइस कैप्टनसी के लिए आई लतीफ के साथ जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना आपके पास चॉइस है,
अगर आप चाहें तो एस इब्राहिम को भी ले सकते हैं या फिर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी को आप यहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हो। तो फिलहाल क्या करना है, इस टीम को सेव कर लो दोस्तों और लाइनअप का वेट करना। मैं इस मैच का फाइनल टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स, पहला कमेंट में लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।